सोने की कीमतों में भी आज रिकवरी देखने को मिल रही है। ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी से सोने को सहारा है। कोरोना वायरस के कारण सोने की निवेश मांग में खासा इजाफा हुआ है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक पहली तिमाही में निवेश मांग 80% बढ़ी है। सोने में मजबूती, दुनिया भर की इकोनॉमी में मंदी से सोने को सपोर्ट मिल रहा है। Q1 में अमेरिका के GDP में 4.8% गिरावट आई है। कई देशों में लॉकडाउन में ढील से इस पर दबाव बना है। कोरोना की दवा को लेकर उम्मीद बढ़ी है। कोरोना की दवा के ट्रायल में अच्छे नतीजे आए हैं। US फेडरल रिजर्व ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। WGC की रिपोर्ट में कहा गया है कि Q1 में सोने की निवेश मांग में भारी बढ़ोतरी होगी। कोरोना के कारण सोने की निवेश मांग बढ़ी है। Q1 में सोने की कुल निवेश मांग 80% बढ़ी है। Q1 में सोने की कुल निवेश मांग 543.6 टन रही है। Q1 में गोल्ड EFT में 298 टन का इनफ्लो हुआ है। Q1 में गोल्ड की कुल मांग 1% बढ़कर 1083 टन रही। Q1 में गोल्ड सप्लाई 4% गिरकर 1066 टन रही। Q1 में सेंट्रल बैंकों ने 145 टन सोना खरीदा। Q1 में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड 39% घटी है। भारत में सोने की मांग पर नजर डालें तो पहली तिमाही में भारत में सोने की मांग 41% गिरी है। पहली तिमाही में गोल्ड रिसाइकलिंग 16% बढ़ी है। वहीं अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी नीतिगत दरों को शून्य के करीब रखने और चीन में निर्यात के ऑर्डरों में गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को तेजी दर्ज की गई। ऐसे में इन स्तरों पर खरीदारी थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन यह माना जा रहा है कि सोने में निवेश इस वर्ष जबरदस्त मुनाफा देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट।